आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो चैप्टर है उसका रिवीजन कर लिया? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर का रिवीजन बोलो। इंदु हाँ सर, मीना, इंदु मीना, यस इंदु इतने दिन कहाँ थी तुम? सर। सर पाप फोन घर पे नहीं था, पापा कहीं गए हुए थे। ठीक है, तो इनमें से और किसी के पास नहीं जा सकती थी क्या? सर दूर हूँ मैं इनसे, अलग गांव में रहती हूँ सबसे। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हमारी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसके क्वेश्चंस हैं। और अब आप लोग फटाफट कुछ क्वेश्चंस के जवाब दोगे। हम लोग ये चैप्टर पूरा कर चुके हैं, है ना? तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा, उसमें क्या उत्तर आएगा? जल्दी बोलो, ऑक्सीकरण अवस्था क्या आएगी इसकी, Fe की? बोलो तीन तीन फटाफट। हाँ, कितनी आएगी? तीन ये कैसे पता चला? जल्दी बता दो फटाफट। तीन कैसे आएगी भाई? तीन आएगी, ये बात तो सही है, लेकिन आएगी कैसे? देखो, इसमें बहुत इजी है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बताना। ठीक है, तो इसमें देखो पोटेशियम यहाँ पे कितने हैं? तीन, है ना? ठीक है, तो एक पोटेशियम पे हाँ। एक एक प्लस होता है, तो तीन प्लस तो पोटेशियम के हो गए, है ना? ठीक है, और ये जो है, अब ये एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कैटायन और एनायन, ये कैटायन है ना, ये धनायन है, ये एनायन है, ऋणायन है, जो हमारा संकुल है वो, इन पर आवेश बराबर है। बराबर है का मतलब जो चिन्ह है वो तो विपरीत है प्लस माइनस का, लेकिन वैसे उसकी जो मात्रा है आवेश की वो बराबर है। तो पोटेशियम पे यदि +3 है तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा संकुल है इस पे -3 है, तभी तो पूरा उदासीन है ये दोनों आपस में। ठीक है, तो अब ये संकुल पे -3 कैसे आएगा? -3 इसलिए आएगा क्योंकि एक जो सी एन है उस पर एक -1 होता है ना? तो 6 CN है, 6 CN का 6 माइनस चार्ज हो गया। अब 6 माइनस में से 3 माइनस यहां पर संकुल पे आ रहा है, इसका मतलब 3 माइनस Fe के 3 प्लस से संतुष्ट हो रहा है ना? यदि हम फॉर्मूला नहीं लगाएं तो हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर टू, समचतुष्फलकीय ज्यामिति वाला यौगिक, चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला यौगिक बता दो यहाँ पर, किसकी चतुष्फलकीय है? देखो, चतुष्फलकीय के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए बताना जरा। कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, हमने पूरे चैप्टर में दो ही पढ़ी है, या तो 4 या 6। चार ठीक है, तो आने चाहिए। जो चार वाले होते हैं उनमें दो तरह की ज्यामिति संभव होती है, एक तो वर्ग समतलीय, एक चतुष्फलकीय। तो यहाँ पर 4 इसकी नहीं है, इसकी 2 है, इसकी भी नहीं है, इसकी 2 है, तो अब ये दोनों बचे। अब इनमें से एक चतुष्फलकीय है, एक वर्ग समतलीय है। हमेशा ध्यान रखना, इस वाले एग्जाम्पल को याद ही कर लो, ये वर्ग समतलीय है, साइनाइड। ये हमने संयोजकता बंध सिद्धांत में पढ़ा है, जहां पर CN- प्रबल लिगेंड का काम करता है, और प्रबल लिगेंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, जिसकी वजह से संकरण हो जाता है DSP2। ठीक है, और स्ट्रक्चर हो जाती है वर्ग समतलीय। तो हमारा चतुष्फलकीय इस प्रश्न का उत्तर हो गया बी, निकिल का टेट्राक्लोराइड वाला कॉम्प्लेक्स NiCl4 2-, यह है चतुष्फलकीय संकुल। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 बताओ भाई, EDTA-4 की समन्वय संख्या, जल्दी बोलो। अच्छा हाँ, ठीक 6, यह है हेक्साडेंटेट लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये 6 बंध बनाता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, श्याम समावयवी वाला, हमने इसको नहीं किया। ये बताना जरा भाई, एक संकुल यौगिक नाइट्रेट व क्लोराइड लिगेंड के साथ बना, इस तरह के हमने बात डिस्कस करी है क्या इस तरह की? बताओ। नहीं सर। देखो, इसका मैं सिंपल सा बता देता हूं। इसका ये देखो, ये रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन है। ये कैसे होगी? हमें ये पता होना चाहिए कि संकुल के अंदर, संकुल में कौन सा आयन है, और स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि आयनिक मंडल में कौन सा आयन है। ये आप लोग जानते हो कि आयनिक मंडल में जो आयन होता है वह पानी में,
उस योगिक को, उस उपसंयोजक संयोजक योगिक को उसका विलयन बनाने पर वह पृथक हो जाता है। कौन? जो आयनिक मंडल में होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है। ठीक है, तो अब इनमें से ये देखो AgNO3 के साथ 2 मोल AgCl का अवक्षेप कौन सा देता है? तो AgNO3 में है Ag+। ठीक है, अब 2 मोल AgCl का अवक्षेप बनना चाहिए, इसका मतलब ऐसा कौन सा संकुल है जिसमें आयनिक मंडल में 2 क्लोराइड आयन है, तभी तो 2 मोल Ag का संकुल बनेगा, अवक्षेप बनेगा। ठीक है, बताना जरा कौन सा है ऐसा। ऑप्शन ए, देखो इसको पानी में विलय करोगे तो क्या क्या मिलेगा, बोलो भाई। ऑप्शन ए को पानी में विलय करोगे तो क्या क्या मिलेगा, देख लो इधर क्या क्या मिलेगा, मैं लिख देता हूं यहीं पे। एक तो हमारा ये पूरा जो आयन हो गया CO, NH3 का 5 और NO3, ये हो गया, इस पे मिलेगा 2+। ठीक है, है ना, और इस पे मिलेगा हमें 2+। ओके, और साथ में मिलेगा क्या, 2Cl-, यही तो मिलेगा। इसको हम लोग पानी में डिजोल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा जो मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी लवण को पानी में विलेय करने पर धनायन और ऋणायन अलग अलग हो जाते हैं, उनका आयनन हो जाता है, पृथक्करण पृथक हो जाते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर ऋणायन देखो, ऋणायन क्या है, 2 क्लोराइड आयन, ये हमें कैसे पता चला, ये देखो 2 क्लोराइड लिगेंड है बाहर, तो ये पृथक हो जाएंगे, तो AgCl जब AgNO3 इसके पास आएगा तो Ag+ रिएक्शन करके 2 मोल AgCl के बन जाएंगे, है ना। अब B में देखो, B में क्या चक्कर है, B में बाहर एक ही Cl है, तो यहाँ पर 1 मोल AgCl का बन रहा है, और C में क्या चक्कर है, C में तो एक भी Cl बाहर नहीं है, तो यहाँ पर AgCl का कोई अवक्षेप नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से Ag के साथ रिएक्शन करने के लिए हमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाहर यानी कि आयनिक मंडल में 2 क्लोराइड आयन चाहिए, वो सिर्फ ऑप्शन ए में हमें मिल रहे हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन, प्रकाशिक समावयवता, हमने बोर्ड के हिसाब से सिलेबस डिस्कस किया है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सातवां क्वेश्चन बता दो भाई, ये तो बहुत इजी हो गया, सातवां क्वेश्चन तो हमने किया है संयोजकता बंध सिद्धांत में, बोलो। संयोजकता बंध सिद्धांत नहीं, गलत नहीं, देखो DSP2 होता है SP3, sp3 आएगा इसका, ये चतुष्फलकीय ज्यामिति का संकुल है NiCO4, जिसमें निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, क्योंकि यहाँ पर CO पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ वापस, जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस किया है वो निकिल के 3-4 कॉम्प्लेक्स हैं, एक तो आपका ये CO का हो गया CO4, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, 0, इसमें 0 में किसी को डाउट हो तो बोल देना, अभी भी मैं बता दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या बात ध्यान रखनी है, sp3 इसका संकरण होता है और चतुष्फलकीय इसकी ज्यामिति होती है, एक हो गया NiCN4 का 2-। ठीक है, यहाँ पर साइनाइड लिगेंड प्रबल लिगेंड है, तो वह इनकी इनका मतलब पेयरिंग कर देता है, युग्मन कर देता है, और युग्मन होने से क्या हो गया, वह संकरण हो गया DSP2, आकृति हो गई वर्ग समतलीय, बात समझ में आई। अब एक और बचा निकिल का, निकिल का Cl4, निकिल NiCl4 2-, इसका देख लो sp3 और चतुष्फलकीय, यह लिख लो कहीं, यह इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये देखते ही याद आ जाना चाहिए कि इसमें क्या गड़बड़ है, तो 2 तो sp3 वाले हैं और 1 dsp2 वाला वर्ग समतलीय है। अब इसमें मैंने जो लिखा है उसमें कंफ्यूज मत हो, वो जो सेकंड नंबर है उसमें मैंने एरो लगा दिया, वो dsp2 है। ठीक है, ये लो, ये DSP2 है और वो ऊपर वाला SP3 चतुष्फलकीय है और ये नीचे वाला भी SP3 चतुष्फलकीय है। अब बात आ गई ऑक्सीकरण अवस्था की, ऊपर वाले में तो 0 होती है, इसमें +2 है और इसमें भी +2 है, क्यों, क्योंकि संकुल के ऊपर 2- चार्ज है और क्लोरीन का और CN का 1- चार्ज होता है, टोटल इनकी संख्या 4 है, तो 4- हो गया, 4 में से 2- स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब
धातु कितने को संतुष्ट कर रहा है, दो माइनस को, तो धातु का चार्ज कितना हुआ, दो प्लस, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये सब आप लोग कर सकते हो। अब ये क्लोरोफिल वाला वैसे ही बता दो भाई, ये हमारा जो महत्व वाला जो उपसंयोजक यौगिकों का जो महत्व है उसमें यह है ना, तो वो कोई बात नहीं, मैं महत्व दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं महत्व की, वो मैं बता देता हूं आपको। क्लोरोफिल तो सब जानते हैं, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का उपसंयोजक यौगिक होता है। इसके अलावा हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपसंयोजक यौगिक है, वो है विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 है ना, ये है हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है, और आजकल इसकी कमी भी बहुत सारे लोगों में पाई जाती है, इसलिए इसका ध्यान रखना, विटामिन B12। और यह है कोबाल्ट धातु का उपसंयोजक यौगिक होता है। तो ये दो प्रश्न तो याद ही रखना कि विटामिन B12 कोबाल्ट धातु का उपसंयोजक यौगिक है, और क्लोरोफिल जो प्लांट्स में होता है वह मैग्नीशियम का उपसंयोजक यौगिक है। इसके अलावा एक और महत्व में बता दूं, जहां मैं टिक कर रहा हूं वहां देखो, प्लेटिनम का एक संकुल है जिसको बोलते हैं सिस प्लेटिन। सिस प्लेटिन यह कैंसर के उपचार में इसका यूज होता है, सिस प्लेटिन का। ठीक है, इसको सिस प्लेटिन क्यों बोलते हैं, सिस प्लेटिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दोनों क्लोरीन और ये जो दोनों अमोनिया लिगेंड है ये सेम साइड होते हैं। ये देखो क्लोरीन क्लोरीन, और यह है अमोनिया, और यह है भी अमोनिया। ठीक है, तो यह हो गया सिस प्लेटिन। ये देखो, यदि अमोनिया अमोनिया और क्लोरीन क्लोरीन विपरीत दिशाओं में हो जाते तो वो ट्रांसप्लेटिन होता, लेकिन ट्रांसप्लेटिन कैंसर में यूज नहीं होता है, कैंसर में सिर्फ सिसप्लेटिन यूज होता है। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ महत्व भी बता दिए। ये देखो पहला, अच्छा एक और आ गया, हीमोग्लोबिन, तो नाम सुना ही होगा तुम लोगों ने। हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में किस चीज का काम करता है, ऑक्सीजन वाहक का, जो ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन वह ऑक्सीजन वाहक का काम करता है और बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, जहां से फिर एनर्जी, उस ऑक्सीजन का यूज लेकर के एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। तो यह किसका संकुल है भाई, बताना जरा, बोलो, आयरन का। ठीक है, तो किसी में यदि हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसे आयरन की गोलियां इसीलिए दी जाती है ताकि उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, क्योंकि यह आयरन का संकुल होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों चीजें याद रखना, विटामिन B12 कोबाल्ट का संकुल, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का संकुल, हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल, और क्या बोलते हैं, सिस प्लेटिन कैंसर के उपचार में उपयुक्त होता है। यह हमने क्या कर लिया, जो लास्ट का टॉपिक था वह भी कवर कर लिया। ठीक है, अब मुझे एक चीज बता दो भाई, ये पहला बता दो, संकुल यौगिक में इसमें केंद्रीय धातु की आक्सीकरण अवस्था और उपसंयोजन संयोजन संख्या, जल्दी बताओ, ये मैं नहीं बताने वाला हूं, जल्दी बोलो। +3 ऑक्सीकरण तो +3 ऑक्सीकरण इसकी आएगी +3, बात तो एकदम सही उपसंयोजन है। बाकी लोग, संख्या बाकी लोग भी बोलो। संख्या हाँ, दो उपसंयोजन संयोजन संख्या 6। करण सिंह भी, करण सिंह आ गया है, काजल प्रजापत भी आ गई है। काजल तुम एक दो दिन में कहाँ थी, चलो कोई बात नहीं। अभी भी कोई ऐसा है जिसको उपसंयोजन संयोजन संख्या और आक्सीकरण अवस्था नहीं आई हो तो मैं बता दूंगा, है ना। आक्सीकरण अवस्था तो बिल्कुल साफ ही है, आक्सीकरण अवस्था बिल्कुल साफ कैसे हुई, आप ये इसका आयरन का एक्स मान करके निकालोगे ना तो वो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें यह है कि जो लिगेंड है उसका आपको आवेश याद होना चाहिए, और लिगेंड का आवेश है यहाँ पर CO4 2-। एक लिगेंड पे ये द्विदंतुक लिगेंड है और एक लिगेंड पे -2 आवेश है, और यह दो उपसंयोजक बॉन्ड बनाता है, इसलिए 3 ऑक्सलेट के लिगेंड है, तो 6 उपसंयोजन संख्या हो गई। ध्यान रखना एक चीज, ध्यान रखना उपसंयोजन संख्या का यदि प्रश्न आता है तो या तो 4 होगी या 6 होगी, ठीक है, इसके अलावा नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें देख लो, 4 तो 4 का तो लग नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड का नंबर 3 है, तो यदि नहीं भी पता हो तो यहाँ पर 6 ही उत्तर आएगा। ठीक है, तो
तो ये हो गया केंद्रीय धातु ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। ऑक्सीकरण की संख्या तो आपने बताई दी, प्लस तीन आएगा इसमें, है ना। आप एक्स एक्स के लेकर के जैसे निकालोगे, जैसे हमने डिस्कस किया है, है ना, और अपने यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो भी है ऑक्सीकरण अंक वाला, आप लोग वहां पे जाकर के देख सकते हो। और जल की कठोरता के निर्धारण, बताओ भाई कौन सा लिगेंड है जो जल की कठोरता निर्धारण के लिए आवश्यक होता है, पढ़ा है क्या आप लोगों ने? EDTA 4-, ये किसमें यूज होता है बोलो जरा, जल की कठोरता निर्धारण करने के लिए। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर बता दो मुझे फटाफट, लिथियम वाले का, इसका नाम लिखना है, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, हमारे साथ काफी लोग जुड़ गए हैं आज, जल्दी करो। लिथियम बोलो, टेट्राहाइड्रो लिथियम कितना है, एक ही है क्या यहाँ पे? ओके गुड, हो गया, तो फिर हो गया। लिगेंड बताओ भाई, लिगेंड ये एच माइनस है कि एच प्लस है, क्या है, या सिंगल एच है? सिंगल एच, माइनस नहीं है क्या इस पे? नहीं सर। ये कौन सा लिगेंड है? दो तरह के लिगेंड होते हैं, एक तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों वाला जो उदासीन होते हैं, जैसे वाटर है और NH3 है ना, और एक होते हैं माइनस चार्ज वाला। तो ये कौन सा लिगेंड है? लिगेंड की, जब तक मैंने कहा था लिगेंड की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, लिगेंड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, लिगेंड पर दाता परमाणु कौन सा है वो पता होना चाहिए, लिगेंड पर आवेश क्या है वो पता होना चाहिए, तभी हम नाम लिख पाएंगे, तभी हम संकुल की स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे, उपसंयोजन संख्या भी तभी निकाल पाएंगे, ऑक्सीकरण अवस्था भी तभी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिगेंड है ये H- है, जिसको हम बोलते हैं या तो हाइड्रो बोल दो, और यदि ज्यादा सही लिखना चाहते हो तो इसको बोलेंगे हाइड्रिडो, क्योंकि इसका सही नाम है हाइड्राइड, और हाइड्राइड में हमने ये सीखा है कि लास्ट का ई हटाओ और क्या लगाओ, ओ लगाओ, तो नाम बन गया हाइड्रिडो। अब इसको क्या बोलेंगे, सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, धनायन ये रहा, तो हम लिखेंगे लिथियम, क्या लिखेंगे, लिथियम। लिथियम लिखने के बाद में अब ये जो हमारा ऋणायन संकुल है इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम बताओ भाई ऋणायन संकुल का, जल्दी बोलो फास्ट। टेट्राहाइड्राइडो, टेट्राहाइड्रिडो बोलो ना अब, हाइड्राइड, हाँ हाइड्राइडो, ठीक है ठीक है, हाइड्रिडो, हाइड्रिडो, टेट्राहाइड्रिडो, आगे एल्यूमिनेट, आगे एल्यूमिनेट क्यों आएगा, एल्यूमिनेट क्यों आएगा बताओ जरा, किसी को भी पता है क्या एल्यूमिनेट क्यों आएगा? क्योंकि हमारा संकुल क्या है, ऋणावेशित है, बोलो ऋणावेशित है, संकुल ऋणावेशित है, इसलिए यह आएगा एल्यूमिनियम की जगह, हो गया नाम इसका एल्यूमिनेट। जब भी संकुल ऋणावेशित होता है तो धातु के नाम के अंत में क्या लगाते हैं, एट, ठीक है। ये हो गया लिथियम टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट, ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अवस्था, ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अवस्था, नाम बिना लिखे नाम कभी पूरा नहीं होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी बता दो, तीन, एल्यूमिनियम की बोलो, तीन, यस इसकी ऑक्सीकरण अवस्था मैं तीन लिख दूं या ऐसे लिखूं? देखो तीन कैसे लिखना है, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं बताओ, कैसे लिखूं? रोमन संख्या, रोमन संख्या, एक दो तीन, ये लो भाई, ये हो गया इसका पूरा नाम, ठीक है। देखो मैंने स्पेस कहाँ दिया है, धनायन और ऋणायन के नाम के बीच में एक स्पेस यहाँ दिया है, आपको हमेशा धनायन और ऋणायन के नाम के बीच में स्पेस देना है, उसके अलावा कहीं भी स्पेस नहीं देना है, ठीक है। तो ये तो हुई एक बात, अब हम चलते हैं वापस हमारी बुक में, और अगला प्रश्न भाई चुंबकीय आघूर्ण का है, ये तो सब बता सकते हैं मेरे ख्याल से, चुंबकीय आघूर्ण का प्रश्न, तो किसी को दिक्कत है क्या बोलो जरा? हाँ एनआई टू प्लस का, तो फिर बता दो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा इसका, एनआई टू प्लस का चुंबकीय आघूर्ण बोलो फटाफट, कितना बीएम होगा? बीएम तो मैंने बताया था, बोर मैग्नेटोन इसकी यूनिट होती है, बताओ बोलो, 2.83 कैसे पता चला? हाँ इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी पड़ेगी, इसका देखो निकिल, निकिल का होता है 28, परमाणु क्रमांक 28 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d8 और दो उधर चला जाएगा 4s2, ठीक है।
ये 8 सीधा यहाँ लगाना है और 2 सीधा 4 एस पे लगाना है, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये एनआई का है, हमें चाहिए एनआई 2 प्लस का। एनआई 2 प्लस का क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे तो अब बच गया 3d8। अब 3d8 को हम लोग यहाँ बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे और 3d8 में 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें। ये लो भाई, सबसे पहले हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन और बच गए, 3। कितने बच गए, 3। 3 इलेक्ट्रॉन हमें और देने हैं। ये हमने युग्मन कराया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बोलना जरा, 2। अयुग्मित कितने बच गए बोलो, 2। अब मैंने कल बताया था यदि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉइंट कितना आएगा, 87 तो नहीं है भैया, सी देखो वापस देखो, 1.73, 2 पॉइंट भैया, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट निवासी, और 5.91 हो गया। बस बस, अच्छा इसका आंसर ऐसे सीधा नहीं लिखना है, सीधा नहीं लिखना है, एग्जाम में तो ऐसे लिखना है कि हमने लगाया फॉर्मूला, ठीक है, और यहाँ पर लिखी n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या आई, 2, लिखा 2 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया कितना हो गया, 4 4 2 8, 8 ही हुआ ना, और हमने 8 का निकाला स्क्वायर रूट, वो कितना आया हमारा, 2.82। ऐसे लिखना है एग्जाम में, सीधा मत लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया बीएम, हमेशा इसके साथ लिखना यूनिट इसकी बीएम। बात समझ में आई, एग्जाम में ऐसे मत लिख देना कि इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो बोल के इतना ही होगा, वहां निकाल के बताना पड़ेगा। ये देखो इसका छठे नंबर में इसका नाम है, ये आप टेबल में से देख करके सीख सकते हो, हमने वहां भी उस टाइम भी डिस्कस किया था। उभयदंती लिगेंड तो सबको ही पता है, जिनमें 2 दाता परमाणु हो लेकिन एक बार में वो एक ही दाता परमाणु की सहायता से बंध बना सकते हैं, किसी भी दाता परमाणु की सहायता से बंध बना सकते हैं। 8वां बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी 8वां तो बड़ा अच्छा है, और 8वें प्रश्न में मुझे बताओ एक दंतु कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ भाई। अब Cn- एक है और ये एक दंतुक है, इसके अलावा और 3 द्विदंतुक है। यस, बाकी के तीनों द्विदंतुक हैं। ये हमारा EN है, इथाइलिन डाइएमीन, ये एसिटाइल एसिटोनेटो है ACAC, ये डाइमेथिल ग्लाइओक्सिम है DMG, ठीक है। तो ये हो गया अगला भाई, कीलेट प्रभाव से आप क्या समझते हैं बोलो, ये किसको पता है कीलेट प्रभाव वाला, बोलते जाओ कीलेट प्रभाव। मैं देखो पूरे चैप्टर का रिवीजन करा दिया तुम लोगों को, है ना, और आज गणेश भी हमारे साथ जुड़ा है। गणेश माइक ऑन करो, गणेश माइक ऑन करो फटाफट। बाकी लोग उत्तर ढूंढते रहो, गणेश गणेश चैट बॉक्स में लिखो यस और नो, यदि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। हाँ गणेश बोलो, अब बोलो चलो कोई बात नहीं, कीलेट वाला बताओ भाई, कीलेट मैंने समझाया था बड़े ही आराम से, बोल दो। दंतुक लिगेंड अपने 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु का उपयोग उपसंयोजक बंध बनाने के लिए करता है, केंद्रीय इनसे अपने 2 या 2 से अधिक दाता परमाणुओं का प्रयोग उपसंयोजक बंध के लिए करता है, तो एक वल्य संरचना प्राप्त होती है, इस वल्य को कीलेट वल्य लिगेंड। हाँ बिल्कुल सही है, 2 दंतुक लिगेंड हम कोई सा भी ले लेते हैं, हमने ले लिया हमारा EN लिगेंड जो कि उदासीन है और द्विदंतुक है, ये लो, ठीक है। और ये हमने एक रखा धातु, ये बना दिया 2 बॉन्ड। अब ये देखो 5 सदस्यीय रिंग बन गई, वलय बन गई 5 सदस्यीय, ये देखो 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3, 4 और 5,
तो ऐसे लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, है ना, जैसे द्विदंतुक हुआ, त्रिदंतुक हुआ, ठीक है, वो अब क्या करते हैं, धातु के साथ जब उपसंयोजक बंध बनाते हैं तो एक वलय का निर्माण होता है। वो 5 सदस्य वलय भी हो सकती है, 4 सदस्य वलय भी हो सकती है, 6 सदस्य वलय भी हो सकती है, है ना। तो इस ऐसे ऐसे उपसंयोजक संकुलों को तो बोलते हैं कीलेट संकुल, कीलेट कॉम्प्लेक्स, और इस प्रभाव को बोलते हैं कीलेट प्रभाव, ठीक है। अब ये वाला जो है ये हमारी आयनिक समावयवता में से है, एक बार इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं, है ना। अगला ऑक्सीकरण अवस्था वाला है, ये आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखो, ये बोर्ड में आया हुआ है, sp3 और dsp2 कक्षक प्रयुक्त करने वाले संकुलों की ज्यामिति आकृति क्या होगी, ये बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो sp3 वालों की तो चतुष्फलकीय होगी, तुम लोगों को पता है, और dsp2 वालों की वर्ग समतलीय होगी। एक एक उदाहरण देना है निखिल, एक एक इनका उदाहरण देना है, और निखिल का मैंने उदाहरण बताया हुआ है, है ना। तो ये इस तरह से ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये देखो, ये निखिल वाले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निखिल वाले तो ये आएंगे ही आएंगे। देखो निखिल वाला फिर एक आ गया, ठीक है। तो इस तरह से है, है ना। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये IUPAC नाम भाई, ये चारों के चारों कर लेना, प्रश्न संख्या 4 वाले, है ना, ये सारे के सारे IUPAC नाम इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर हुआ, बोलो। कंप्लीट 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 हो गया, ठीक है, ओके गुड। तो अब हम आगे कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, बोलो जरा। डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। अब मुझे ये बताओ कि पेरियोडिक टेबल में यदि हम लोग ग्रुप वन और टू, यह कौन सा ब्लॉक होता है पेरियोडिक टेबल में, बताते जाओ भाई। पेरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और 2 कौन सा होता है, बोलो। एस ब्लॉक। और ग्रुप 3 से 12 डी ब्लॉक। और ग्रुप 13 से 18 पी। ओके गुड। और एक ये देखो भाई, मैंने पेरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दी है, ये हमारा है एस ब्लॉक। तो 1 से 2 ग्रुप वाले जो होते हैं वो एस ब्लॉक है, 3 से 12 वाला डी ब्लॉक है, और 13 से 18 वाला पी ब्लॉक है। ये मैंने गलत लिख दिया, एफ, ये लो पी। तो अब देखो हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 वो हमारा पी ब्लॉक है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 वो क्या है, डी ब्लॉक, जिसमें हम ग्रुप संख्या 3 से लेकर 12 की बात करेंगे, ठीक है, जिनको हम संक्रमण धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण धातु, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण धातु। अब संक्रमण धातु और डी ब्लॉक के तत्वों में, इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर होता है, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोग जो 3D ये जो 3D सीरीज है ये हम लोग मुख्यतः पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अब आपके सामने मेरे ख्याल से हमारा चैप्टर आ गया, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। अब एफ ब्लॉक की हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले डी की बात कर लेते हैं। डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो आप लोगों में से किसी को भी पता हो डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, या इनको डी ब्लॉक के क्यों कहते हैं, इनको पी ब्लॉक के क्यों कहते हैं, है ना, ये बताओ भाई, कोई भी है तो उसको बताओ। अब सुनो, यह जो ब्लॉक की स्ट्रक्चर बनी है पेरियोडिक टेबल में, इस वो बनी है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। यदि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जा रहा हो तो वह डी ब्लॉक का तत्व है, यदि पी उपकोष में जा रहा हो तो वह पी ब्लॉक का तत्व है, यदि एस में जा रहा हो तो वह एस ब्लॉक का तत्व
है। तो किसी भी तत्व को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो और देखो कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जा रहा है। ठीक है, तो यह है डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, है ना। डी ब्लॉक के तत्वों में कितने ग्रुप होते हैं? 3 से 12 तक कुल होते हैं 10 ग्रुप। 10 ग्रुप होते हैं, है ना, 3 से लेके 12 तक 10 हो गए। अच्छा, 10 ही क्यों होते हैं? 10 इसलिए होते हैं क्योंकि डी कक्षक में, डी उपकोष में 5 जो कक्षक होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता होती है 10। तो डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए D1 से लेकर के D10 तक ये हो गए 10 वर्ग। यहां पर ये तीसरा है और यहां पर ये 12वां वर्ग है। तो 3 से लेके 12 तक जो सारे जितने भी वर्ग वो हैं, ग्रुप हैं, ठीक है, समूह है, 3 से लेकर के 12 तक जितने भी ग्रुप हैं वो सारे के सारे हैं डी ब्लॉक के सदस्य। उनके तत्व 3 से लेकर के 12 समूह के सदस्य जो हैं वो डी ब्लॉक के सदस्य हैं, क्योंकि इन सब में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तो हम देखते हैं डी जो ये जो हमारी क्या बोलते हैं पेरियोडिक टेबल है, है ना, उसमें कितनी डी सीरीज होती है, कितनी डी सीरीज होती है बताना जरा, बोलो भाई कितनी डी सीरीज दिख रही है। अब यहाँ पे आपको जो चित्र 8.1 है वो दिख रहा है, सारणी 8.1 दिख रही है क्या सबको? हाँ या ना? हाँ सर। ओके 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 ओके। तो अब ये जो डी ब्लॉक है ये देखो, इन्होंने कहा डी ब्लॉक के इधर तो एस ब्लॉक है और इधर पी ब्लॉक है, बीच में है डी ब्लॉक। बात समझ में आई? ठीक है, अब जो डी ब्लॉक है उसमें होते हैं समूह है कितने? 10। यह है तीसरा समूह है और यह है 12वां समूह है। ठीक है, ये चौथा पांचवा छठा, इस तरह से चलती रहेगी गाड़ी। अब कितने कितने डी श्रेणियां हैं देखो, समझ लो, यह है कौन सा आवर्त है, यह है कौन सा आवर्त है, स्कैंडियम वाला आवर्त बताओ भाई, आवर्त कौन सा है, डी ब्लॉक कौन से आवर्त से स्टार्ट होता है, बोलो। 3 से। हाँ, तीसरे आवर्त से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, इसमें किसी को डाउट है क्या? तीसरे से ही क्यों स्टार्ट होता है वो भी बता दो जरा। नो सर। क्योंकि दूसरे कोश में डी उपकोष नहीं होता, दूसरे कोश में डी उपकोष नहीं होता। अब सुनो, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझ लो। पेरियोडिक टेबल में ये जो लाइनें हैं, क्षैतिज लाइनें हैं, वो होती हैं हमारी क्या? आवर्त। ठीक है, और ये जो है समूह है ना, वो होते हैं वर्ग। ठीक है, तो आव है ना आवर्त। अब एक चीज सुनो, जो कोश होता है ना, उसमें कितने उपकोश हो सकते हैं वो उस कोश की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे कोश पहला है, कोश पहले में एक ही उपकोश होगा, और उपकोश कौन से होते हैं? एस पी डी एफ, यही तो होते हैं 4 तरह के। ठीक है, तो इसमें एक ही उपकोश होगा 1s। बात समझ में आ गई? यदि दूसरा कोश है तो इसमें 2 उपकोश होंगे, कौन कौन से? 2s और 2p। सुनते जाओ भाई, मैं बहुत आराम की चीज बता रहा हूं, है ना। ये है तीसरा कोश, तीसरे कोश में 3 उपकोश होते हैं, 3s, दूसरा 3p, अब d का नंबर आ गया भाई 3d। चौथे में 4 होते हैं, 4s, 4p, 4d और 4f। तो अब मेरे समझाने की बात यह है कि d उपकोष पहली बार तीसरे कोश में आता है, दूसरे में भी नहीं होता और पहले में भी नहीं होता। इसी तरह से f उपकोष कहां आता है सबसे पहले? चौथे कोश में, तीसरे में। कोई कहे 3f में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये गलत है, 3 में f होता ही नहीं है। कोई कहे 2d में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये गलत है, 2 में d नहीं होता है, 2d अस्तित्व में नहीं है, 3f अस्तित्व में नहीं है। यह कैसे पता चलेगा? जो ट्रिक मैंने बताई है उससे याद रखना, जो कोष की संख्या है उसमें उतने ही उपकोष होते हैं। ठीक है, 1 है तो 1s, 2 है तो 2s के आगे एक और जुड़ जाएगा p, 3 है तो
तीन एस पी तो है ही है, तीसरा और आ जाएगा डी, इसी तरह से गाड़ी आगे चलती रहेगी। ठीक है, इसी तरह से ये जो आवर्त है, अब देखो पहले आवर्त में उतने ही तत्व होते हैं जितनी उस कोश की क्षमता होती है। कोश की क्षमता कितनी है, यह पहला कोश है, इसमें 1s उपकोश होता है और 1s उपकोश में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि s कक्षक की क्षमता कितनी होती है, दो। इसलिए पहले आवर्त में दो ही तत्व होते हैं। बताना जरा कौन कौन से होते हैं पहले आवर्त में दो तत्व, इधर तो लिखा रहता है हाइड्रोजन और इधर मिलेगा हीलियम, और कोई भी नहीं है, ये वन में है, यही है ना कहानी, सही बात है ना ये। हाँ सर। अब देखो दूसरा, देखो अब मेरी बात समझ गए होंगे कि दूसरे की स्ट्रक्चर क्या होती है। दूसरे में दो उपकोष होते हैं 2s और 2p। ठीक है, अब 2s में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दो, p में इलेक्ट्रॉन अधिकतम आते हैं 6, क्योंकि तीन कक्षक होते हैं, तो टोटल हो गए 8। इसका मतलब दूसरे कोष में अधिकतम 8 तत्व हो सकते हैं। सुन लो कौन कौन से होते हैं, देख लो, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद में बोलो बेरिलियम, तो यहाँ, उसके बाद में यहाँ आती है गाड़ी 13वें समूह में, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये हो गए 8 तत्व। इसी तरह से तीसरा जो है, ठीक है, तीसरे में 3s, 3p, 3d, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, हो गए 18। इसलिए तीसरे आवर्त में 18 तत्व होते हैं। गाड़ी कहां से चलेगी, तीसरे की गाड़ी चलेगी सोडियम से, मैग्नीशियम, ये तो हुआ इधर, अब चलती रहेगी गाड़ी, एल्यूमिनियम, है ना। लेकिन तीसरे में ये जो डी वाले हैं, अब डी में, 3d में जो इलेक्ट्रॉन है, अब ध्यान से देखना, 3d के जो इलेक्ट्रॉन है वह 4s इलेक्ट्रॉनों के बाद में भरे जाते हैं, ये काम की बात सुनो, 3d में जो इलेक्ट्रॉन है वह 4s के बाद में भरे जाते हैं। हमारी क्लास कट जाएगी, दोबारा जुड़ना नहीं है, ठीक है। तो 3d के इलेक्ट्रॉन 4s के बाद में भरे जाते हैं, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि 4s कक्षकों की ऊर्जा 3d से कम होती है, और पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरते हैं जिसमें ऊर्जा कम होती है। यह हमें पता चलता है n+l के नियम से, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं वह, ठीक है, हम वो उसकी बात पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से तीसरे आवर्त में तत्व तो 8 ही हैं, क्योंकि जो डी वाले तत्व हैं वह फोर्थ आवर्त में चले गए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन 4s के बाद में भरे जाते हैं। इसलिए तीसरे में भी 8 ही तत्व हैं, लेकिन चौथे में 18 तत्व हैं, और जो डी जो ब्लॉक के तत्व हैं 3d सीरीज, वो चौथे आवर्त में आती है। समझ में आई, अब आगे की बात करेंगे कल, और यह चैप्टर करेंगे कंटिन्यू। अब किसी को कुछ कहना